नमस्कार ईश्वन, ईश्वन मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ वो क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, इस तरह के स्टूडेंट्स हमेशा बोर्ड एग्जाम्स में 4 मार्क्स के आते रहते हैं। इस तरह के वैसे मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करा रखे हैं। यदि आप मुझे बहुत लंबे समय से देख रहे हैं यूट्यूब पर तो आप देख रहे होंगे कि मेरी प्लेलिस्ट में इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारी बर्ड प्रॉब्लम्स हैं। इस चैप्टर के लिए बहुत दूसरे चैप्टर के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको करा रखे हैं। यदि आप उनको देखना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में एक और है, वो सैंपल पेपर का है। ठीक है, मैंने आपके लिए 5 सैंपल पेपर भी क्रिएट कर रखे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम्स के लेटेस्ट सैंपल पेपर हैं। आपका बोर्ड एग्जाम्स के सैंपल पेपर में लेटेस्ट चेंज हुआ था उसके अकॉर्डिंग मैंने आपके लिए 5 सैंपल पेपर क्रिएट करे हैं। उनके सॉल्यूशन वीडियो फॉर्मेट में और पीडीएफ फॉर्मेट में है। आपको वो चीज़ कैसे बोर्ड में लिखनी है ये बात मैंने पीडीएफ फॉर्मेट में लिख के आपको बताई है। ठीक है, कैसे फिगर बनाने, कैसे रिप्रेजेंटेशन होगा, वो सारी बातें आपको बताई गई हैं। आप उन सैंपल पेपरों पर अपनी प्रैक्टिस बहुत अच्छे तरह से कर सकते हो, अपने मार्क्स बहुत अच्छे से ला सकते हो। ठीक है, आप मेरे साथ बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। चलिए आज एक क्वेश्चन समझ लेते हैं और समझते हैं अपने 4 नंबर कैसे पूरे करे जाएं। ठीक है, 4 मार्क्स क्वेश्चन निश्चित आता है। देखिए, इसका ग्राफ बनाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप ग्राफ तो बना लेते हो। लेकिन यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात उसने पूछी है कि व्हाट इज द एरिया। ये जो है ना, ये ठीक है ना, इस एरिया के कंसेप्ट को स्टूडेंट्स कई बार समझ नहीं पाता। ठीक है, और इस तरह का एक्चुअली हमारा कोई क्वेश्चन एनसीईआरटी में अवेलेबल दे भी नहीं रखा जाता, इसलिए स्टूडेंट की प्रैक्टिस भी नहीं हो पाती है। ठीक है, तो आप समझ लें, इस तरह की प्रैक्टिस कर लें। ग्राफ बनाना तो हम जानते हैं, लेकिन एरिया कैसे बनेगा और एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे क्रिएट होगा और ट्राइंगल का एरिया कैसे बनाया जाएगा, ये हम थोड़ा सा अच्छी तरह समझ रहे हैं। देखिए, आप समझ लें कि 2x + y = 2 है। इसका ग्राफ बनाने के लिए आप टेबल बनाएंगे और टेबल बनाने के लिए हमेशा लिखें, मैं कह रहा हूं कि y = क्या है, y = हो जाएगा -2x + 2। और आप यहां पर एक टेबल बना लें और एक टेबल में कम से कम 3 पॉइंट जरूर लें। ठीक है, 3 पॉइंट्स कम से कम लें। ठीक है, और कैसे पॉइंट लें, x की वैल्यू अपने तरफ पुट करेंगे। यहां पर x की वैल्यू पुट करेंगे तो y की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू 0 पुट करें, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 2 आ जाएगा, और x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और 2 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 पुट करेंगे तो -4 हो जाएगा, और प्लस का 2 है तो -2 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या पॉइंट्स हो जाएंगे, ये पॉइंट्स हो जाएंगे 0 2 सर 1 0 और 2 -2, इतना हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, अब दूसरी ग्राफ इक्वेशन ले लें। दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या है, हमारे पास है 2y - x = 4। इसे लिखें 2y = x + 4 और y = क्या लिखें, x + 4/2। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप यहां पर y रख लें इधर, ठीक है, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, कोई कंफ्यूजन की जगह नहीं है। राइट, यहां पर एक टेबल फिर और क्रिएट कर लें, यहां पर एक टेबल क्रिएट करेंगे आप तो x की वैल्यू अपने तरफ से पुट करेंगे और y की वैल्यू निकालेंगे, x और y, x की वैल्यू आप यहां पर ऐसी पुट करें कि इसे सॉल्व करने पर इंटीजर आ जाए। ठीक है, यदि इंटीजर नहीं आएगा तो आपको थोड़ा ग्राफ पेपर रिप्रेजेंट करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, ग्राफ पेपर कैसे लिखा जाएगा थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। यदि आपके पास यहां पर इंटीजर नंबर नहीं आया तो आपने मान लेता हूं यहां 0 पुट करा तो ये कितना हो जाएगा, 4/2 आ जाएगा। ठीक है, एक बार यहां पर -4 पुट करा तो ऊपर 0 हो जाएगा, तो 0 0 हो जाएगा। ठीक है, और एक बार 2 पुट कर लो, यदि आप यहां पर 1 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा, या फ्रैक्शन में आ जाएगा, पॉइंट में आ जाएगा, उससे बचने की कोशिश करनी है हमें। हम यहां पर 2 पुट कर लें, यहां पर 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 + 4 = 6, 6/2 = 3 आ जाएगा। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट बन जाएगा 0 2 - 4 0 और 2 और 3, ये बात समझ में आ गई। चलिए सर, अब इसका ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आपके पास जो ग्राफ पेपर आया ना उसके 4 पार्ट्स कर लीजिएगा अच्छी तरह से, इस तरह से, ये एक्स एक्सिस और ये क्या आएगा, वाई एक्सिस। ठीक है, और ये माइनस एक्स एक्सिस और ये माइनस का वाई एक्सिस, याद रहेगा। ठीक, अब आपको देखें एक्स पर क्या लेना है, 0 2, आपके ग्राफ में 1 सेंटीमीटर का एक खाना होता है, यहाँ से 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर इधर होता है ना, उसी तरह से उधर होता है 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 1 2 3 4, इस तरह से 1 2 3 और 4, 1 सेंटीमीटर का। ठीक है ना, एक पार्ट होता है ना 1 सेंटीमीटर, एक खाना बनता है। अब आप क्या बनाएंगे, 0 2 x / 0 y / 2, तो एक्स पे 0 तो ये हो गया और y पे 2 यहां पर आ गया, तो ये जो कोऑर्डिनेट आएगा वो 0 2 आएगा, ध्यान रखना x पे 0 y पे 2, एक पॉइंट,
वन जीरो एक्स पे वन वाई पे जीरो, एक्स पे वन तो यहां पर आ गया वन जीरो, ये पॉइंट आ गया। और कौन सा होगा टू माइनस टू, एक्स पे टू और माइनस टू यहां पर आएगा। लेकिन ध्यान रखना ये तीनों पॉइंट्स है ना वो एक लाइन में आएंगे, ऐसा नहीं है कि इनके अलग अलग लाइन में जाते हैं। ये पॉइंट यहां पर आएगा और ये पॉइंट यहां पर आएगा, ठीक है। ये तीनों पॉइंट क्या होंगे एक लाइन में, ऐसा नहीं है कि ये यहां पर आ जाए, ये यहां पर आ जाए और यहां पर हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तीनों पॉइंट क्या होंगे एक लाइन पर क्रिएट होंगे। बस में आ गई। चलिए साहब हमने क्या बनाया, पहली जो इक्वेशन थी उसका ग्राफ बना लिया। अब दूसरी क्वेश्चन पाया टू जीरो जीरो टू सॉरी जीरो टू एक्स पे जीरो बाई पे टू, एक्स पे जीरो यहीं पर खड़े रहेंगे, टू यहां पर आ जाएंगे, सॉरी ये जीरो टू ये पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। इसका भी पॉइंट जीरो टू है तो ये पॉइंट क्रिएट होगा। फिर माइनस फोर और जीरो, वन टू थ्री फोर, ये रहा फोर और जीरो, ये पॉइंट क्या हो जाएगा फोर और जीरो हो जाएगा। अब कौन सा टू और थ्री, तो टू यहां पर आएगा और थ्री यहां पर आएगा, तो कहने का मतलब है कि ये पॉइंट यहां से ऐसे जाएगा, सॉरी फोर थोड़ा सा इधर आएगा, ये यहां पर, ये फोर यहां पर क्रिएट होगा, वन यहां पर आ जाएगा, टू वन टू थ्री, वन टू और थ्री और ये फोर, ठीक है ना, फोर कॉमा जीरो, इधर आएगा। कहने का मतलब है ये स्ट्रेट लाइन क्रिएट होंगे, जब आप ग्राफ लेके चलोगे परफेक्ट स्ट्रेट लाइन क्रिएट होगी। ऐसा नहीं आ सकता कि एक पॉइंट यहां पर आ जाए और एक पॉइंट यहां पर आए, ये कौन सा था आपके पास टू कॉमा थ्री था, ये टू कॉमा थ्री था, ये जीरो टू था, ये कितना हो गया फोर जीरो आ गया। तो अब आपके पास ये ग्राफ बन गया। अब एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें एक लाइन और दे रखी है वाई इक्वल टू जीरो। अब आपको ये नहीं पता कि वाई इक्वल टू जीरो कौन सी लाइन होती है, लाइन ये ध्यान रखना, लाइन ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, लाइन वाई इक्वल टू जीरो, y इक्वल टू जीरो कौन सी लाइन है, y इक्वल टू जीरो को हम x एक्सिस कहते हैं, ध्यान रखना क्या होता है x एक्सिस। और कहीं पर लिखे आया ना लाइन x इक्वल टू जीरो, तो क्या होता है ये y एक्सिस, लाइन y इक्वल टू जीरो कौन सी लाइन होती है x एक्सिस। इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, इस लाइन को हम बोलते हैं y एक्सिस, y बराबर जीरो और ये क्या होती है x एक्सिस, ठीक है। तो हमें क्या बनाना है कि हमारे पास एक लाइन तो ये हो गई, एक लाइन हमारे पास ये हो गई और एक लाइन ये हो गई, तो इससे बनने वाला ट्रायंगल इसका एरिया हमें बताना है, ये बताना, ठीक है। क्या ध्यान रखना है y इक्वल टू जीरो कौन सी लाइन है x एक्सिस, ठीक है। कई बार बहुत स्टूडेंट कन्फ्यूजन हो जाता है कि y कई बार इसको ले लेता है तो ये ट्रायंगल बना देता है, कभी इसका एरिया बना देता है ना, ये गलती ना हो आपसे। अब आप क्या बनाएंगे, इस ट्रायंगल के एरिया बनाएंगे, मान लेता हूँ जी ए है, ये बी है और ये सी है, ये ट्रायंगल बना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या बनेगा इसका एरिया, इसका एरिया जो बनेगा वो बनेगा हाफ ये बी सी बेस और परपेंडिकुलर ओ ए, ये परपेंडिकुलर होगा ना ऐसे, ठीक है भाई, इसे परपेंडिकुलर होगा दैट इज ओ ए, ये एरिया होगा, यहां से परपेंडिकुलर लेंगे ये परपेंडिकुलर लेंथ आ जाएगी, ये बेस आ जाएगा, तो यहां से लेकर यहां तक की लेंथ कितनी है टू है, तो आपके पास ये तो टू आ गया, बी सी कितना होगा, तो देखो यहां से यहां तक तो ये फोर है और यहां से यहां तक कितना है ये वन है, तो कितना हो जाएगा यहां से यहां तक फोर, यहां से यहां तक वन, कितना हो जाएगा ये फाइव। आप ऐसा मत कर देना, सॉरी ये फोर पॉइंट कितना है माइनस फोर कोमा जीरो, ये क्या था माइनस फोर कोमा जीरो था, ठीक है ये माइनस फोर कोमा जीरो, तो यहां से यहां तक ये माइनस फोर है और ये वन है, तो आप इन सॉल्व करके हमेशा मत कर देना कि माइनस फोर प्लस वन थ्री, थ्री नहीं आएगा माइनस का थ्री नहीं आएगा, ये आपको यहां से यहां तक लेंथ लेनी है, यहां से यहां तक लेंथ कितनी होगी ये फाइव होगी, यहां से यहां तक ये फोर यूनिट है और यहां से यहां तक कितना है वन यूनिट है, तो आपकी जो पूरी लेंथ लेंगे वो कितनी यूनिट बन जाएगी फाइव यूनिट, तो यहां पर आ जाएगा वन अपॉन टू इंटू फाइव, टू से टू कैंसिल आएगा तो कितना हो जाएगा फाइव यूनिट, इसका जो एरिया आएगा वो फाइव यूनिट आएगा। बस में आ गई। देखो ग्राफ कैसे बनाया जाएगा, ग्राफ बहुत अच्छी तरह बना सकते हो, ग्राफ बनाने के बाद जो ट्रायंगल बनाना है उसका एरिया भी आपको बताना है। कई बार ऐसा नहीं है कि आप केवल ग्राफ बना के छोड़ दें, और लेकिन इंपॉर्टेंट बात उसने पूछी थी सॉल्व द इक्वेशन, सॉल्व द इक्वेशन मतलब आंसर क्या है, इन दोनों इक्वेशन सॉल्व करने पर आंसर क्या आएगा, तो आंसर वो आएगा जहां पर ये दोनों कट कर रहे हैं, तो सॉल्यूशन क्या हुआ, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस क्या हुआ, इक्वेशंस होगा ये पॉइंट जीरो टू, कहने का मतलब है कि x बराबर जीरो और y बराबर टू, इसका क्या माना जाएगा सॉल्यूशन माना जाएगा दोनों इक्वेशंस का, ठीक है।
तो सॉल्यूशन भी बताना है, एरिया जो बन रहा है उसका, जो ट्राइंगल बन रहा है उसका एरिया ही बताना है, ठीक है। अपने प्रैक्टिस करें, बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें, सेम पेपर लेकर बहुत अच्छी तरह प्रैक्टिस करें, ठीक है। घड़ी लगा कर प्रैक्टिस करने की कोशिश करें, अब समय आ गया, अब घड़ी लगा कर काम करें तो बहुत अच्छे रिजल्ट आपके क्रिएट होंगे। अपना ख्याल रखें, किसी तरह का टेंशन बिल्कुल ना लें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।